मेहमान भी आ गए हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा इतना जबरदस्त आलू और मटर का पुलाव बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स दोपहर के हो चुके हैं जी 1:45, तो बाहर आपको बच्चों का शोर सुनाई दे रहा होगा, इधर बच्चे साथ खेल रहे होते हैं। तो मैं जी आज कपड़े धो रही हूँ, तो बाजी इधर जी मटर छीन रही हैं, तो आपके साथ जी शेयरिंग करेंगे आज के आज दोपहर की रूटीन आपके साथ जी शेयर होगी कि आज हम और अफ्तारी की भी रूटीन शेयर करेंगे जी, आप क्या क्या हमारा मेन्यू होगा और आज हम क्या क्या काम करेंगे। तो आसपर साहब जा रहे हैं जी? जी मैं बेटी को लेने जा रहा हूँ। चले फिर मैं अपने तैयारियां खाने पकाने की और अफ्तारी की। और ये लेके आए हैं जी अंडे और इधर लेके आए हैं जी चिकन। चिकन जी हमारा पहले कट पड़ा हुआ है ये थोड़ा सा, और इसमें ये भी और आ गया और ये भी ले आए हैं, तो अब जितना जरूरत होगा उतना ही डालेंगे जी। और ये सारा जी सामान तैयार है, साथ बनेंगे जी चावल मटरों वाले, तो तैयारियाँ हो गई फिर उसके बाद आपके साथ जी शेयर करते हैं। और मैंने जी इधर निकालने हैं कपड़े जो मैंने धो लिए हैं, ये मुझे सूच से ना बहुत डर लगता है मैं इसका। हाँ जी ये देखे मैंने कपड़े की मदद से जी से सारा पकड़ के करंट ना लग जाए, मुझे डर लगता है जी। देखिए जी कितने मेरे ज़्यादा कपड़े हैं, ये सारे निकालते हैं। तो भी बस दिखाते हैं जी आपको मौसम बाहर का, बहुत ही प्यारी जी और धूप निकली हुई है, सुबह तो बहुत प्यारी थी, आप ज़रा सख्त लग रही है जी। ये देखिए जी मैंने कपड़े धो लिए हैं और मैंने इधर डाल दिए हैं, ये देखिए मेरे कितने ज़्यादा कपड़े हो गए थे जी इकट्ठे, ये स्कूल वाले हैं जी सारे के सारे। तो ये देखिए जी यहाँ तक मैंने कपड़े धोए, बहुत ज़्यादा कपड़े खिला हुआ है। सामने मौसम दिखाते हैं जी, आसमान बिल्कुल साफ शफाफ क्लियर, और यहाँ पे जी धूप बहुत तेज़ है और दूर दूर कहीं जी गहर गहर सी लग रही है धूप है जी कड़ाके की, और बहुत शोर है जी, कोई गली में आया हुआ चीज़ें बेचने के लिए बहुत सामने। तैयारी के बाद जी फिर आपसे मिलते हैं। इधर जी धड़ाधड़ प्याज छिले जा रहे हैं, टिंडे छिले जा रहे हैं। तो भी बस ये सारा कुछ हमने निकाल लिया, मटर वगैरह जी छीन लिए हैं और टिंडे भी छीन लिए, तो हम इनको वॉश करेंगे। तो भी बस ये सब कुछ भी आज इसलिए एहतमाम हो रहा है कि आज हमारे घर में आ रहे हैं खास मेहमान, तो मेहमानों की फरमाइश नहीं होते जी चावल बनाए, तो चावल बनेंगे जो मटरों वाले, इसीलिए जैसा साहब जो है वो आज मटर तो बहुत ज़्यादा लेके आए हैं, लेकिन जितने जो तो हम डाल देंगे ठीक है। हाँ जी आज ही मेहमान आ रहे हमारे घर में, तो इस वजह से भी आज ही सारा खास एहतमाम हो रहा है। मैं अब गोश्त वॉश कर रहा हूँ, इसके बाद तो ये दूसरी चीजें मटर टिंडे टमाटर आलू वगैरह ये भी वॉश करूंगा फिर। ये देखें जी व्यूअर्स मैंने आग लगा ली है, अब मैं चावल तैयार करने लगा हूँ, और बेगम साहब हांडी बनाएंगी टिंडे गोश्त। मैं वीडियो देख रही हूँ जी, देखें जी घी डालने लगा हूँ मैं, ये देखें जी घी डाल दिया मैंने। तड़का लग गया जी, और मक्खियों ने बहुत मस्त आया हुआ है, देखें जी बार बार जी हम निकाल भी रहे हैं बाहर, इधर से नीचे से आ जाती हैं, जब दरवाजा बंद कर दिया है खिड़की भी बंद कर दिया है शीशा भी कर दिया, यहाँ से मेरे हाथ से नीचे से आ रही है। तो अभी बस आज हम बनाएंगे जी टिंडे गोश्त, जरा डिफरेंट तरीके से क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, जरा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो ये जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट या विनेगर रख ली है, और दही है हमारे पास, दही में सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच हमारी सुरख मिर्च है, एक चम्मच हमारा नमक है, और ये तकरीबन छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, और ये है जी हमारा गरम मसाला छोटा चम्मच, और ये है जी हमारा साबुत सूखा धनिया
इसको जी हाथों की मदद से थोड़ा सा बारीक करके मसल के लिए भी थोड़ा सा डाल लेते, मसले आगे ही कुछ। तो अब इसमें जी ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इस तरह जी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है चिकन का, किसी भी सब्जी में इस तरह डालें तो बहुत टेस्ट आता है। इसको अब मिक्स करके चिकन को लगा के तकरीबन जी 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। हाथ की मदद से ये देखिए जी बर्तन भी साफ हो गया। अब इसमें डाल के अच्छी तरह हाथों की मदद से इसे मिक्स कर देते हैं सारे मसाले को, और इसे 15 मिनट के लिए भी हम इस तरह रख देते हैं ताकि जी हमारा नमक मिर्च अच्छी तरह जो है वो इस गोश्त में जज़ब हो जाए। और फिर मैं जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करूँगी। तो अभी बस 15 मिनट हो चुके हैं जी इसको मैरिनेट किए हुए किचन को, मैं चिकन कहने लगी किचन बोलने लगी तो चिकन निकलेगा। तो मैंने भी अपनी हंडिया का आवाज कर ली है। आज जी स्पेशल खाना बन रहा है मेहमानों के लिए। देखिए जी उधर अकबर साहब लगे हुए मटर आलू वाला बना रहे हैं जी पुलाव। आप चमचे इतने लाते हैं मेरी आवाज गई थी, जब मैं बोल रहा था क्रास क्रास क्रास, अब देखा करें जब मैं ना अलाउड से बात बोल रहा हूं। तो मैंने अब साथ ही वीडियो भी बना ली होती है ना, तो मैं ये इधर जी आलू और मटर के पुलाव बना रहे हैं और मैं यहां पे टिंडे और चिकन बना रही हूं। उसके बाद ये फ्रूट वगैरह जो कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी मैं ये देखिए जी हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं चुके हैं। तो अब मैं इसमें जी ये जो अपना मसाला है मैरिनेट करके रखा हुआ ये अब इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब इसको जी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी जी काली मिर्च। काली मिर्च डालनी है ये जी आधा चम्मच काली मिर्च, काली मिर्च काली चम्मच। ये जी पानी उबल चुका है, हम इसमें चावल डालेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह सारे डाल देते हैं हम इसमें, ठीक है। और ये इधर भी बिछा दे। हां जी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है जो मैंने जी मैरिनेट करके डाला है। तो अब इसमें मैं डालूंगी जी टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराबर ही काम जा रहा है जी, अजमत साहब के चावल बांधे हैं और इधर हमारी आप जी टिंडे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हमारा चिकन और टिंडे जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब जी घी छोड़ दिया है टिंडों में और चिकन में, तो मैं इसमें पानी डालूंगी। शोरबा लगाना है जी थोड़ा सा। तो भी भाई ये देखिए जी हमने मेहमानों के लिए शरबत बना लिया है। तो अब मैं डालने लगी हूँ जी धनिया में, धनिया
तो ये देखिए जी हमारी धनिया तैयार है। तो ये जी डालेंगे थोड़ा सा ये धनिया फ्रेश फ्रेश, थोड़ा सा जी आई धनिया है जी डाल लेते हैं। खाना हमारा तैयार है, चावलों को दम लगा हुआ है, तो चीजें इधर जी हमने तारी का सारा सामान लगा लिया है। तो भी मक्खियां बहुत तंग कर रही हैं जी, बहुत दफा निकाली है लेकिन फिर जी मक्खियां बाहर से आ जाती हैं, मक्खियों का सीजन है जी। आग को कर देते हैं जी बंद। तो भी बस हमारे जी मेहमान आ चुकी है, तो अभी टाइम हुआ है 5:30, तो जब जी सारे दस्तरखान पर आएंगे तो फिर जी खाना वगैरह लगाएंगे उनके लिए भी। हस्बैंड साहब आ चुके हैं और ये थोड़ा सा जी खरबूजा जो है उसको छीनने लगे हैं थोड़ा सा, इधर जितना जरूरत है उतना मेहमान भी है जी, उनके लिए भी ये छीलेंगे। हाँ जी उनके लिए छीलेंगे। चले जी आप छीलें, बाकी भी चीजें जी मैं यहाँ पे जो चावल मिल गया पड़ी हुई है तो उसको जी मैं लेके आती हूँ। टाइम रह गया जी तकरीबन 25 मिनट या 20 मिनट, मैं लगी हुई इधर चावल और साथ में ये रखते हैं, तो साथ की अफ्तारी डालती हूँ, साथ में मधुक भी डालती हूँ। तो ये है जी साफ हमारा सालन ठीक हो गया, समोसे भी आ गए जी, समोसे को डालते हैं जी प्लेटों में, ये डालते हैं जी इधर गर्मा गर्म समोसे। समोसों के साथ चटनी है जी, इसको अलग बर्तन से डाल लेते हैं। चले जी, हाँ जी हमारा ये सेवइयां पड़ी हुई है जी, ये जो हमने बनाई थी अगले दिन तो याद ही नहीं थी कल दादी को निकालनी, यहाँ पे रायता मैंने रखा था, ये हमारा रायता, ये रायता भी बन गया जी। देख तो ये जी अफ्तारी का सामान हम तैयार कर आलू और मटर का पुलाव बना है। देखिए जी कितने जबरदस्त हमारे जी मटर पुलाव बना है, आलू हमने जी थोड़े ही डाले हैं, मटर हमारे ज्यादा है, तो ये जी हम डालने लगे आप सारे। जी मैं प्लेटों में चावल डाल कर रखती जा रही हूँ, फिर मेहमान भी आ गए हैं जी हमारे बैठे हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ इफ्तारी करेंगे। चावल मैंने जी मेहमानों के और अपने सबके डाल लिया, तो मैंने यहाँ पे जगह बनानी है, तो मैं इसको जी साइड पे करने लगी हूँ, उसको जी मैं साइड पे करती हूँ। टाइम रह गया थोड़ा, इधर रख देते हैं जी, तो यहाँ पे जी हंडिया रह गए इसमें तो ये देखिए जी ये हमारी आज की स्पेशल टीना चिकन की रेसिपी मैंने बनाई है। देखिए जी बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें भी शोरबा इसलिए रखा है कि टीनों में हमें शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रोजा खुल चुका है जी, आ जाए जी मेहमान भी इधर आ गए हैं। तो अब हम जी सारे मिलके रोजा अफ्तार करेंगे, उसके बाद ये खाना वगैरह खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। जी रोजा अफ्तार हो चुका है जी, अब हम ये सारे मिलके अफ्तारी करेंगे, तो अब हम जी जाना चाहेंगे।
और आज की चीज़ एक हमारी स्पेशल जो थी अफतारी थी मेहमानों के लिए जो हमने आपके साथ शेयर की, खास तौर पे जी मटर वाले चावल और टिंडे चिकन की रेसिपी और ये सारे जी लाजमा जो समोसे वगैरह ये तो फिर जी लाजमी बनते ही थे। तो अब इजाजत चाहेंगे ओके जी भी बस। हाँ जी अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए ना, अल्लाह पाक का जी लाख लाख शुक्र है कि ये जो रोजे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आपने भी कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके रोजे किस तरह जा रहे हैं, हमारी तरफ तो बहुत ठंड होती है गर्मी नहीं होती। तो अब इजाजत दीजिए जी, हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि जी हमारी हौसला अफजाई होती रही और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। टाइम हो चुका है जी 6:30 और 12:13 देखिए जी हो गया, मगर क्या काम हो चुकी है। तो ठीक है व्यूअर्स के साथ ही हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज़, बाय बाय।